आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग का क्लास 11 का रसायन है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऊष्मा गति की। तो आज पढ़ेंगे हम लोग किसी जो पिछले लेक्चर हम लोग इंथैल्पी के बारे में पढ़े थे, और इंथैल्पी एक जो है कि स्टेट फंक्शन है, प्रावस्था फलन है, जो कि प्रावस्था पर निर्भर होता है, जिसका मान होता है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। और ये जो है अभी पढ़ेंगे हम लोग अभिक्रिया की इंथैल्पी। तो कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया में कुछ प्रतिकारक होते हैं, वह आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कुछ प्रतिफल रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रतिफल बनाते हैं। तो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है, प्रतिकारक से बनता है प्रतिफल, एक से अधिक प्रतिकारक भी हो सकते हैं, प्रतिकारक से प्रतिफल का निर्माण होता है, यह रासायनिक प्रतिक्रिया में होता है प्रतिकारक से प्रतिफल। तो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में जो कि इंथैल्पी परिवर्तन होगा, वह प्रतिकारकों के इंथैल्पियों का योग में घटा देंगे, प्रतिकारक का प्रतिफल माने प्रतिफल के इंथैल्पियों का योग में अगर प्रतिकारक के इंथैल्पी को, जैसे इंथैल्पी तो ऊर्जा हो गया, उसका जो है निकाल के घटा देंगे, तो उस प्रतिक्रिया में हुए इंथैल्पी परिवर्तन को यह बताएगा। तो प्रतिक्रिया के इंथैल्पी परिवर्तन क्या हो गया, किसी प्रतिक्रिया में प्रतिफलों के कुल इंथैल्पी में प्रतिकारकों के कुल इंथैल्पी को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वह उस प्रतिक्रिया की इंथैल्पी कहलाती है, उस प्रतिक्रिया की इंथैल्पी कहलाती है। तो लिख लेते हैं इन परिभाषा के रूप में, थोड़ा सा लिख लेते हैं, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के सभी प्रतिफलों के एंथैल्पी में प्रतिकारकों के एंथैल्पी को घटाने पर प्रतिक्रिया की एंथैल्पी प्राप्त होती है। तो इसको अगर समीकरण के रूप में लिखें, डेल्टा आर, आर फॉर रिएक्शन, प्रतिक्रिया का इंग्लिश हो गया, और एच, डेल्टा एच, आर एच इज इक्वल टू डेल्टा, या तुमको एच किसका, प्रोडक्ट का, डेल्टा एच प्रोडक्ट पी लिख दो, या प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट प्रतिफल जिसको कहते हैं इसमें, घटाओ डेल्टा एच में हो गया तुमको प्रतिकार, रिएक्टेंट, प्रतिकार। तो प्रतिफल में किसका घटा देना है, प्रतिकारक का इंथैल्पी को घटा के निकाल सकते हैं, या इसी को और लिखना चाहिए हिंदी में लिखें, डेल्टा आर, आर फॉर रिएक्शन, एच इज इक्वल टू डेल्टा प्रतिफल का, डेल्टा एच प्रतिफल का शब्द इंथैल्पी, प्लस हो गया तुमको माइनस, माइनस डेल्टा आर, मतलब कि आर मतलब रिएक्टेंट का इंथैल्पी परिवर्तन, एच आर कह सकते हैं। तो इंथैल्पी का मान का इसको कर दिया जाए, इससे तुमको निकल जाएगा किसी प्रतिक्रिया की इंथैल्पी प्राप्त हो जाएगी। तो यह तुमको हो गया। अब अगर इसको मानक इंथैल्पी जिसे कहते हैं, एक वर्ड आता है मानक इंथैल्पी, मानक प्रतिक्रिया की इंथैल्पी, मानक प्रतिक्रिया की एंथैल्पी स्टैंडर्ड, जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को दो सौ अंठानवे केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर संपन्न कराई जाती है, एक वायुमंडलीय दाब पर संपन्न कराई जाती है, तो यह उस प्रतिक्रिया की
उस प्रतिक्रिया की मानक एंथैल्पी कहलाती है, मानक एंथैल्पी कहलाती है, मानक एंथैल्पी कहलाती है। तो मानक एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा आर एच नॉट, इसको कहते हैं एच नॉट ऊपर लगा दो, मानक एंथैल्पी बड़े का सिंबल हो गया। मानक का मतलब होगा कि ये प्रतिक्रिया करा जाए 298 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जो कमरा का ताप होता है उस पर हो रहा है, इसमें हो जाएगा एच, तुमको हो जाएगा प्रोडक्ट का एच प्रोडक्ट एच नॉट माइनस एच नॉट रिएक्टेंट प्रतिकारक। तो ये जो भी प्रतिक्रिया होगा उसका एंथैल्पी में उसको निकाला जा सकता है, एंथैल्पियों के योग के बराबर होता है। तो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का क्या निकाल सकते हैं, इससे एंथैल्पी परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब जैसे है तुमको कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया जैसे प्रावस्था परिवर्तन, एक जो भौतिक परिवर्तन है, प्रावस्था परिवर्तन का मतलब क्या हो गया तुमको, जब हम लोग किसी पदार्थ की प्रावस्था जो बदलती है, जो स्टेट हम लोग बदलते हैं सॉलिड से लिक्विड, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या तुमको सब्लिमेशन जब करते हो उत्पादन, जिसमें कि ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाता है भाप, वेपर, वाष्प, तो इस जो तुमको प्रतिक्रिया है गैस में बदल जाए, ये तीन तरह का अवस्था परिवर्तन होता है। तो इसको जो है तो अवस्था परिवर्तन की एंथैल्पी कहते हैं, तो उसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो कि मतलब सॉलिड का एंथैल्पी जो ठोस है उसका कम होगा, जब वह द्रव बन जाएगा तो उसका एंथैल्पी बढ़ जाता है, तो उसका एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होगा। और तुमको जब तो अवस्था परिवर्तन, तो इसमें जो है दो तरह की होती है प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया में जैसे है, एक तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसके बाद प्रावस्था परिवर्तन का हम लोग आते हैं, वो एंथैल्पी परिवर्तन मानेंगे। तो पहले था ऊष्मा रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, और दो तरह का प्रतिक्रिया हो गया, एक तो ऊष्मा क्षेपी होगा, तो ऊष्मा क्षेपी कब होगा, जैसे कि ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया वो हो गया जिसमें कि प्रतिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो इसका मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो उसका क्या होगा, उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया कहेंगे। तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन का चिन्ह क्या होगा ये देख लेते हैं। और एक होता है ऊष्मा शोषित प्रतिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये दो तरह की प्रतिक्रियाएं होगी। चलो इसको देख लेते हैं, तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण, ऊष्मा रासायनिक समीकरण, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, किसी प्रतिक्रिया को जब हम लोग कराएंगे, जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में, रासायनिक प्रतिक्रिया में उसके एंथैल्पी परिवर्तन को भी, उसके एंथैल्पी परिवर्तन को भी, एंथैल्पी परिवर्तन को भी दर्शाया जाता है तो वह समीकरण ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है, समीकरण कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से बन गया H2O गैस, एक मोल गैस H2O बना और बैलेंस भी कर दिए। इसका जो डेल्टा जो तुमको है ये RX, इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा 298 केल्विन, यहां पर दर्शा देते हैं, ये होता है -285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये एक ऊष्मा रासायनिक समीकरण हो गया, एक उदाहरण हो गया। इसमें डेल्टा, जैसे ये प्रतिक्रिया पहले लिखते थे, लेकिन ये प्रतिक्रिया सिंपल लिखेंगे तो ये समीकरण हुआ रासायनिक समीकरण, लेकिन ऊष्मा रासायनिक समीकरण ये हुआ, क्योंकि ऊष्मा भी इसमें दिखाया गया है।
ये समीकरण का उदाहरण हो गया। तो ये ऊष्मा रासायनिक समीकरण है। अब दो तरह का पूर्व प्रतिक्रिया, जैसे यहां पर माइनस का है, तो माइनस हुआ होगा, इसका मतलब है कि जो कि H2O का इंथैल्पी है, इन दोनों के इंथैल्पी से कम होगा। इस H2O जब बना होगा तो इसकी ऊर्जा का मान, इंथैल्पी का मान H2O का कम होगा किसके तुलना में, किसके जोड़ से। तो इसका जो डेल्टा आर एच जो इसका लिखे होंगे, डेल्टा आर एच नो बराबर क्या लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ H2O, एच जैसे है तुमको मतलब एच, H2O गैस, H2O लिक्विड होगा, लिक्विड, ये लिक्विड का माइनस एच नॉट, ये तुमको होगा एच टू का, एच टू गैस माइनस एच नॉट ओ टू गैस, हाफ होना ये भी ओ टू गैस। तो ये तुमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसका जो होगा ये जीरो जीरो माना जाता है, ये तुमको इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी परिवर्तन माना जाएगा प्रोडक्ट में घटा। और जाहिर है कि इसका एंथैल्पी कम होगा इन दोनों के तुलना में, इसलिए इसका क्या होगा तुमको माइनस होगा। तो उस दो तरह का प्रतिक्रिया, वैसे उष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया लिख देता हूं यहीं पर, उष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया, इसका इंग्लिश होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित हो, जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया कहलाती है, उष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया कहलाती है। इस प्रतिक्रिया में प्रतिफल की एंथैल्पी प्रतिकारक की एंथैल्पी से कम होती है। अतः ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होती है। ये एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होगा, इसका जो इस प्रतिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होगा। जैसे कि तुमको जो प्रतिक्रिया है जिसमें कि एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, तुमको ऋणात्मक होगा तो ऊष्मा क्षेपी हो गया, और जब धनात्मक होता है ऊष्मा शोषी होता है। तो ऊष्मा शोषी का क्या परिभाषा हो जाएगा इसमें, जब प्रतिक्रिया में क्या हो जाएगा, वह प्रतिक्रिया जिसमें कि इसका एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होगा तो उष्मा शोषी हो जाएगा। तो उष्मा शोषी का लिख देते हैं इंडोथर्मिक, इसको कहते हैं इंग्लिश में उष्मा शोषी। तो उसमें जो उष्मा शोषण अगर कर रहा है प्रतिक्रिया, तो बाद में जो प्रतिफल बन रहा होगा उष्मा, उसका जो एंथैल्पी है बढ़ गया होगा, उष्मा का शोषण करेगा, जाहिर है कि बाद का उसको, ये तो एंथैल्पी एक ऊर्जा है, तो जाहिर है शोषण करके ऊर्जा क्या होगा बढ़ेगा, तो जो प्रतिफल है उसका एंथैल्पी अधिक होगा प्रतिकार के एंथैल्पी से। तुमको प्रतिफल की एंथैल्पी, प्रतिफल की एंथैल्पी पहले उष्मा शोषी प्रतिक्रिया पहले लिख लेते हैं, उष्मा शोषी प्रतिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन, वह प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है
उसे उष्माशोषी प्रतिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माशोषी प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिक्रिया उष्मा तो उष्मा शोषण होगा, उस तो प्रतिफल के उष्मा शोषण होने पर प्रतिफल की एंथैल्पी, प्रतिफल की एंथैल्पी प्रतिकारक की एंथैल्पी से, प्रतिकारक की एंथैल्पी से अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो इसका मतलब यह भी हो गया, जैसे अगर निष्कर्ष के रूप में रखें तो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव हो गया, तो ये हो गया उष्मा क्षेपी हो गया, ये उष्मा क्षेपी का हो जाएगा। और डेल्टा आर एच अगर तुम रिएक्शन का एंथैल्पी बराबर धनात्मक हो गया तो ये हो गया उष्मा शोषी हो जाएगा। तो उष्मा शोषण किया तो एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, इसमें देखो उष्मा शोषण किया तो जो प्रतिफल बना उसका एंथैल्पी ज्यादा है, तो इसमें घटाएंगे धनात्मक आएगा, और उष्मा और निकल गया जैसे प्रतिक्रिया, उष्मा निकल गया तो उसको हानि हो गया, तो प्रतिफल की एंथैल्पी कम होगी। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि उष्मा का अगर शोषण किया जो प्रतिफल बना उसकी भी एंथैल्पी ज्यादा है प्रतिकारक से, तो प्रतिफल का प्रतिफल भी ज्यादा, घटाने पर क्या ऋणात्मक आएगा, तो उष्मा शोषण अगर करेगा तो धनात्मक आएगा, तो प्रतिफल का ज्यादा है तो प्रतिफल प्रतिकार घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन फिर अगर तुमको उष्मा का महत्व बाहर निकला है तो उष्मा का आपको तो हानि ही हो गया, जब एंथैल्पी की हानि हो गई तो जाहिर है कि प्रतिफल की एंथैल्पी कम होगी, प्रतिकारक की ज्यादा, घटाने पर निगेटिव आएगा। याद रख लेगा कि एंथैल्पी परिवर्तन अगर ऋणात्मक है तो वह उष्मा क्षेपी परिवर्तन प्रकरण को बता रहा है, और धनात्मक है तो वह क्या उष्मा शोषी प्रकरण होगा। ये दो तरह के उष्मा रासायनिक समीकरण को मैं प्लस और माइनस चिन्ह उसमें लगाए लगने से पता चल जाता है कि प्रतिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रावस्था परिवर्तन में उष्मा अधिक, जो प्रावस्था परिवर्तन होता है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो जाहिर है अगर ठोस से द्रव बन रहा है तो जाहिर है कि हमको उष्मा देना पड़ता है उसको ठोस से बर्फ बनाने के, तो किसका द्रव अवस्था में इसका एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एंथैल्पी परिवर्तन इसमें क्या है, धनात्मक आएगा। और चाहे ठोस से, लेकिन वही चीज अगर द्रव से हम लोग ठोस बनाएंगे तो हमको उष्मा क्या करना पड़ेगा और बाहर निकालना पड़ता है, उसका एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक हो जाएगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा उतना ही एंथैल्पी। तो प्रावस्था परिवर्तन में तीन तरह की एंथैल्पी होती है, तो एक तो हो गया तुमको जो गलन के लिए है ठोस द्रव में जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया वाष्पीकरण का, तीसरा हो गया तुमको ऊर्ध्वपातन का। तो तीन तरह के एंथैल्पी परिवर्तन इसको हम लोग बांट सकते हैं, या एक ही प्रावस्था परिवर्तन लिख देते हैं उसी में तीनों को दिखा देंगे। गलन की एंथैल्पी इसे लिख लेते हैं, प्रावस्था परिवर्तन को भी तीन पार्ट में हम लोग मान सकते हैं, प्रावस्था परिवर्तन में, प्रावस्था परिवर्तन में एंथैल्पी, एंथैल्पी प्रावस्था परिवर्तन में एंथैल्पी, प्रावस्था परिवर्तन में एंथैल्पी किसी प्रतिक्रिया का, प्रावस्था परिवर्तन में एंथैल्पी। तो प्रावस्था का परिवर्तन में एंथैल्पी क्या होगा तुमको, तो प्रावस्था परिवर्तन में एंथैल्पी जो होगा तुमको, तो प्रावस्था जब बदलेंगे हम लोग किसी तत्व का, जैसे प्रावस्था परिवर्तन करना है तो इसमें पहले हो गया तुमको कॉल नंबर करके दे दो, गलन की एंथैल्पी किसी द्रव के, किसी ठोस को द्रव में बदलने पर के लिए, द्रव में बदलने के लिए,
द्रव्य में बदल द्रव्य में परिणत करने के बदलने के लिए एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होती है। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होती है तो जाहिर उष्मा लगता है उसमें। जैसे उदाहरण के लिए H2O है, ये सॉलिड है और इससे बना देना है H2O गैस, H2O लिक्विड, तो इसमें उष्मा देना पड़ेगा, उसका एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा इससे। इसका मतलब इसका डेल्टा H क्या होगा, तुमको डेल्टा H जो है तुमको फ्यूजन कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं FUSIO, फ्यूजन डेल्टा H वाटर का, इसका वैल्यू होता है इसमें उष्मा बढ़ रहा है, इसका एंथैल्पी बढ़ता है, ये उष्मा शोषी हुआ तो इसमें प्लस में हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा तुमको 6 किलो जूल पर मोल, इसका हो जाएगा 6 किलो जूल पर मोल होता है H2O सॉलिड से लिक्विड बनाने का। तो ये तुमको H2O का होगा किलो जूल पर मोल, मतलब 18 ग्राम बर्फ अगर 18 ग्राम पानी बन जाए तो उसका जो तुमको द्रव्यमान जो 0.273 केल्विन पर, तो ये तुमको कितना लग जाएगा इसमें जो 6 किलो जूल 1 मोल के लिए उसमें देना होगा। और इसी तरह से जब अगर उल्टा होगा ये चीज देखो, जैसे इसी प्रतिक्रिया को उलटते हैं, H2O लिक्विड से अगर सॉलिड बनाएंगे तो ये तुमको H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बनाएंगे का, तो इसका जो डेल्टा H हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, डेल्टा H माइनस में हो जाएगा 6 किलो। तो प्रतिक्रिया जब भी उलटते हैं ना लोग, प्रतिक्रिया जब उलटते हैं तो डेल्टा H का मान भी बदल जाता है, प्रतिक्रिया उलट जाएगा तो डेल्टा H का मान भी पलट जाएगा। मतलब कि अगर उसके शब्द में कहें कि H2O लिक्विड से H2O अगर सॉलिड बनाना बर्फ बनाना है तो उसमें उसमें उष्मा निकलेगा, तो उष्मा 6 की प्रतिक्रिया और 6 किलो की उष्मा आपको बाहर निकल जाएगा। ये दोनों तुमको अवस्था परिवर्तन का एक रूप में होगा। जैसे दूसरा है तुमको ख में वाष्पीकरण क्या है, तो फिर इसमें समीकरण लिख देते हैं, वाष्पीकरण समझता ही है। जैसे कि तुमको हो गया वाष्पीकृत करना, H2O लिक्विड है, जैसे H2O लिक्विड है और इससे क्या बन गया H2O गैस बना दिया इसको, तो सॉलिड विशेष से पता है इसका जो डेल्टा जो H होगा डेल्टा वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन वीपी लिख लो H बराबर होता है, इसमें उष्मा देना पड़ेगा, ये उष्मा होता है 40.79 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से जब अगर उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये वाष्पीकरण करना यहाँ पर, तो ये तुमको ये 273 केल्विन पर और ये 273 केल्विन पर इसी प्रतिक्रिया में अगर इसको उल्टा करेंगे वही बात को फिर से लिखें, H2O अगर गैस में है और इससे बन गया H2O लिक्विड, तो अब समझ में आ गया होगा तुमको इसका जो डेल्टा H का मान होगा जस्ट क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा, -40.79 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तीसरा जो तुमको इसी में दे सकते हैं हम लोग ख हुआ तीसरा अर्धपात, तो इसी में लिख लेते हैं लोग सी नंबर में अर्धपात की क्या होगा उर्ध्वपातन का, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो एक बिल्कुल एक निश्चित ताप पर क्या होता है तुमको वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाती है, सब्लिमेशन, कुछ ठोस बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में परिणत हुए गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रम में
हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाया है? इस प्रकरण में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन उर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन एंथैल्पी कहलाती है, कहलाती है। जैसे कि हमको है HCO2 सॉलिड, जिसको हम लोग CO2 सॉलिड है, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस जिसको कहते हैं ड्राई आइस, इससे बन गया CO2 गैस। तो इसका होता है तुमको, इसका जो डेल्टा एच का मान, सबलिमेशन का, सबलिमेशन डेल्टा एच का जो मान होता है, ये होता है तुमको, इसमें ऊष्मा लगेगा जाहिर है, तो 25.25 किलो जूल पर मोल, 25.2 किलो जूल पर मोल, इसमें ऊष्मा लग जाएगा 25.2 किलो जूल पर मोल, ये ऊष्मा तुमको लग जाएगा। मतलब सॉलिड से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड से गैस बनाना है, 25.2 किलो जूल पर मोल ऊष्मा आपको देना पड़ेगा, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी हो गया। ये तुमको इस तरह से क्या होगा, तुमको ये परावस्था परिवर्तन का एंथैल्पी हो गया, तुमको परिवर्तन परावस्था बदलने से क्या होगा, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। ये तुमको हो गया एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। इस पर एक प्रश्न है दिया हुआ एनसीईआरटी बुक, उसको देख लेते हैं। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो कि एक इंपॉर्टेंट नियम है, जो कि ऊष्मागतिकी में दैट इज हेस का नियम होता है, इस लेक्चर में उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो पहले हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हेस का नियम क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नियम है इस क्षेत्र का, उसको देखते हैं। और फिर तब अलग अलग जो एंथैल्पी परिवर्तन जो होते हैं, जैसे विरचन है या दहन है, इन सब के एंथैल्पी परिवर्तन को हम लोग आगे अगले वीडियो में लेने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उदाहरण क्या है। तो पढ़ो एनसीईआरटी का 6 नंबर उदाहरण, 7 नंबर, 7 नंबर उदाहरण पढ़ो क्या है। एक टन से निकला तैराक करीब 18 ग्राम पानी की परत से है। मतलब एक तैराक है जो कि किसी तालाब वगैरह से नहा करके निकला है, उसके बॉडी पर मान लेते हैं कि 18 ग्राम पानी चिपका हुआ है। और देखते हो जब तुम तालाब से निकल करके नहा करके निकलोगे तुम या नदी से, तो काफी तेज ठंडक लगती है उस आदमी को, ऐसा गौर किया होगा। तो ये भी सोचने की बात है ऐसा काहे हो रहा है। मतलब तालाब से जैसे निकल के जैसे निकलता है वहां पर देखोगे तुम एकदम पूरा नहाने के तुरंत बाद जो है वह क्या होने लगा, पूरा ठंडा बहुत तेज लगता, तो ऐसा कहा होता है। तो होता इसलिए है वहां पर उसके शरीर पर जब उसको पानी फटाफट पोंछना चाहिए, होता यह है कि पानी जब चिपका हुआ है उसके, तो वह शरीर से के अंदर से ऊष्मा लेकर के वह द्रव से गैस में परिणत होने लगता है, जिसको कहते हैं वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण के जो ऊष्मा है वो कहां से लेता है, शरीर से लेता है। तो शरीर से जब ऊष्मा बाहर निकल ले तो शरीर को क्या लगने लगता है, तेज ठंड लगेगी। तो प्रक्रिया समझ में आ गया हो क्या हो रहा है वहां पर, क्या होता है, क्यों ठंडा लगता है। अगर आपके शरीर में पानी चिपका हो तो वो शरीर से ऊष्मा ले ले करके वो क्या होने लगता है, वाष्पीकृत होने लगता है। और हर एक मोल पानी के लिए तब अभी वाष्पीकरण का ऊष्मा हम लोग लिखे थे 40.6 कुछ होता है, 40.66 अगर 298 केल्विन है उस पर होगा, तो 40 किलो जूल के आसपास ऊष्मा क्या करता है, वो एक मोल के लिए लेगा। तो यह जो ऊष्मा है कहां से ह्रास हो रहा है, बॉडी से, तो बॉडी उसका बिल्कुल ठंडा होने लगेगा, उससे उसका एंथैल्पी घटेगा और इसलिए उसको आदमी क्या लेने लगता है था। तो उसे बचने का तरीका यही है कि पानी को जल्दी से करके पोछिए, तो उसमें वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा। इसलिए जैसे नहा कर खाइए फटाफट पानी से, तो ऐसे पोछिए। हाँ तो खैर देखो उदाहरण यहां लेते हैं लोग, ये बात जानकारी हो गई। एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 7, तो ये 7वां है तुमको, 18 ग्राम जल को एक व्यक्ति के शरीर पर है और उसको जो है तुमको H2O लिक्विड से H2O गैस बनाना है, H2O गैस बनाना है। तो इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वह दिया हुआ है, एंथैल्पी परिवर्तन 40.66, इसका डेल्टा H जो पहला पार्ट है 40 प्लस में होगा, जाहिर है जो बढ़ रहा है ज्यादा उसमें चाहिए, तो प्लस में 40.66 किलो जूल
पर मोल, तो ये एक मोल तो अच्छा है, पर मोल ये दिया हुआ है। और जहां तक कि मोल का मान देखें, 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम जल H2O में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या है, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे अनुभाग, द्रव्यमान बटे पंचतानु भाग, द्रव्यमान भी 18 ग्राम दिया और अनुभार H2O का क्या हो गया, एक गुना दो जो 16, ये 18 ही हो गया, दैट इज एक मोल। तो डेल्टा एच जो इस प्रश्न वाली यदि एक मोल का ही दिया हुआ है, यदि जो क्वेश्चन में मुझे एक मोल ही सप्लाई किया, अगर दो मोल है 200 गुना करते इसको, एक मोल है तो एक से गुना कीजिएगा, तो डेल्टा एच जो इस परिवर्तन में लग जाएगी तो 40.66 ही रहेगा, 40.66 गुना एक ये हो गया बराबर क्या हो गया तुमको, एक इतना किलो जूल पर मोल गुना एक 40.66 किलो जूल, ये उसमें डेल्टा एच समान हो गया, एक मोल था ही तुम्हारा, एक मोल में गुना कर दिए, अगर ये दो मोल होता दो से गुना कर देता ये निकल जाता। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है कि डेल्टा यू निकालिए, तो उष्मा गति का प्रथम नियम लागू करते हैं, उष्मा गति के प्रथम नियम से, तो डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा एल क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जब नियत ताप पर नियत दाब पर जब रहेगा डेल्टा एच के बराबर होता है, ये डेल्टा एच माइनस पी डेल वी या माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी ऐसा लिख सकते हैं लोग एन जी आर टी, और ये तुमको किया गया डेल्टा एन जी आर टी, इसका मान दिया हुआ डेल्टा एच का मान दिया हुआ है तुमको 40.66 ना माइनस डेल्टा एन जी, देखो अगर एच टू जो है क्या चीज से बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, एक मोल गैस का पर एक हो गया इसका डेल्टा एन जी, एक मोल है ही क्वेश्चन में, तो एक माइनस जीरो हो गया पहले, और आर का मान 8 × 3 गुना टी का मान 373 अब बटे 1000 ये किलो जूल, ये सब ये किलो जूल में, ये जूल में निकला, इतना क्या हो गया तुमको अभी ये किलो जूल हो गया, इतना किलो जूल चल गया, इसका घटा करके पूरा कैलकुलेशन कर देता है 37.56 किलो जूल आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखो ये किलो जूल में है, इसको जूल जूल को किलो जूल बदलेंगे, 1000 से क्या करना पड़ा भाग, ये ध्यान रखो और बाकी तुम्हारा ये कैलकुलेशन करके देखो आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका न्यूमेरिकल का हो गया तुम्हारा ये था दिया हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं एक नियम इस वीडियो में देखते हैं, हेस का नियम, हेस का नियम क्या कहलाता है, हेस का नियम है कि तुमको जब कोई प्रतिक्रिया होता है तो वह एक चरण में संपन्न हो या विभिन्न चरणों में संपन्न हो, अगर ताप और दाब की जो प्राप्त जो स्थिति है समान रखी जाए तो वह एक चरण में संपन्न हो या भिन्न चरणों में संपन्न हो, उसमें जो इंथैल्पी परिवर्तन होगा वह हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। कोई प्रतिक्रिया एक चरण में संपन्न कराई जाए या किसी प्रतिक्रिया का जो इंथैल्पी परिवर्तन है उसके विभिन्न चरणों में हुए इंथैल्पी परिवर्तनों के योग के बराबर होता है, यदि सभी सभी चरणों को एक ही ताप दाब पर संपन्न कराई जाए, यही कहते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर 3-4 स्टेप में भी 4 स्टेप में कोई प्रतिक्रिया को अगर आप संपन्न करा के लाते हैं तो उसका एंथैल्पी परिवर्तन आप डायरेक्ट कीजिए या 3-4 चरण में कराइए, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को हम लोग कहते हैं हेस का नियम, इसको कहेंगे हेस का नियम, और उसको जो है तुमको प्रयोग करके भी इसको देखा जा सकता है, यही तुमको नियम आता है जो इसका करके दिखाया गया है। तो हेस का नियम है तुमको किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को यदि विभिन्न चरणों में संपन्न कराई जाए तो उसके इंथैल्पी परिवर्तन का योग, उसके इंथैल्पी परिवर्तन का योग विभिन्न चरणों के इंथैल्पी परिवर्तनों के योग के बराबर होता है। चलो तो इसको लिखते हैं हम लोग, इसका इसका मान लिख लेते हैं, कुछ ही बारे में हेस का नियम लिख लेते हैं, पहले हेस का हेस लॉ, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का
एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन उनके विभिन्न चरणों के, उनके विभिन्न चरणों के, विभिन्न चरणों के एंथैल्पी परिवर्तनों के योग के बराबर होता है, परिवर्तनों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, इसका एंथैल्पी परिवर्तन के योग के बराबर होता है, बशर्ते सभी चरण, सभी प्रतिक्रियाएं समान ताप एवं दाब पर संपन्न कराई जाए, सभी ताप समान ताप एवं दाब पर संपन्न कराई जाए, संपन्न कराई जाए। अगर सबको समान ताप और दाब पर संपन्न कराया जाएगा तो ये सबका जोर बढ़ा। उसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक प्रतिक्रिया है C प्लस सी सॉलिड ग्रेफाइट कर सकते हैं प्लस हाफ ओ गैस, इससे तुमको बनेगा CO गैस बनता है, इससे बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस प्रतिक्रिया का जो डेल्टा गैस होता है 110.5 होता है, 110.5 किलो होता है प्रति मोल, 110.5 किलो प्रति मोल, माइनस है ना, इसका मान माइनस 110, मतलब डेल्टा इसका मान क्या हो गया माइनस 110.5 किलो प्रति मोल। दूसरा प्रतिक्रिया है CO प्लस हाफ ओ2, CO गैस प्लस हाफ ओ2 गैस से बन गया CO2 गैस, इसका डेल्टा एच का जो मान होता है -283 कितना जो लेकिन मैं दूसरा से कर लूं प्रति मोल। अब इन दोनों प्रतिक्रिया को जोड़ें तो देखो C प्लस ओ2 और CO, CO तो कट जाएगा अपना 20 से, C सॉलिड मतलब ग्रेफाइट है प्लस ओ2, हाफ ओ2 प्लस हाफ ओ2 एक मोल हो गया ओ2, इससे बन गया CO2 गैस बन गया, CO2 से कट गया, तो इसका जो डेल्टा एच का मान आएगा दोनों के जोड़ के बराबर आएगा, तो दोनों को जोड़ दो -110.5 और -213.5 किलो जूल पर, जो कि यही प्रतिक्रिया का ही दोनों के जोड़ से ही बना। इसकी प्रतिक्रिया को अगर एक चरण में कराएंगे, अगर डायरेक्ट बनेगा यही 393 होगा, दो चरण से भी बना तो इसका जोड़ से यही मिलेगा तुमको आंसर, तो इसका मतलब है कि दोनों चरणों के जोड़ के बराबर हुआ इसको, तो डायरेक्ट बनेगा तो -393 डायरेक्ट हो गया, दो चरण बना तो भी वही होगा। तो एंथैल्पी परिवर्तन का जोड़ कभी भी क्या होता है, ये समान होता है। इसका जो है जैसे कि कुछ प्रतिक्रिया का एंथैल्पी दिया हुआ है, किसी का क्वेश्चन बना करके तुमको पूछा जाएगा, कुछ प्रतिक्रिया दिया हुआ है उसका एंथैल्पी आपको दे देगा, एक नई प्रतिक्रिया उसको जोड़ने घटाने किसी में दो से गुणा करने से प्राप्त होगा, तो एंथैल्पी परिवर्तन भी उसी अनुसार से क्या कर लीजिए आप अपना उसका कैलकुलेट कीजिए। इस पर बहुत से क्वेश्चंस दिए जाते हैं हेस के नियम पर, जिसके उदाहरण को हम लोग जो अगले लेक्चर है उसमें भी देखेंगे, एक्सरसाइज में भी तुम देखोगे, इस पर बहुत से क्वेश्चंस मतलब क्या करते हैं बनाने होते हैं, एक्सरसाइज में भी जो तुमको जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको तुम सॉल्व करोगे, जहां भी दिक्कत है राष्ट्रीय लाइफ के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस लेक्चर को यही समाप्त करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विभिन्न मानक विचरण एंथैल्पी या तुमको दहन एंथैल्पी सॉल्यूशन के सारे एंथैल्पी परिवर्तन की चर्चा करेंगे और हेस के नियम पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करें।